राजस्थान में बीजेपी सरकार बदलते ही कांग्रेस सरकार ने वीर सावरकर की पहचान ही बदल दी। कांग्रेस सरकार ने 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हुए वीर सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला और उनके लिए काम करने वाला बता दिया है। वहीं महाराणा प्रताप को फिर से हल्दी घाटी का युद्ध हारा हुआ बताया गया। राजस्थान सरकार ने वीर सावरकर की जीवनी से जुड़े स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस की नई सरकार ने पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए वीर सावरकर को वीर की जगह जेल की यातनाओं से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने वाला बताया है। साथ ही नए तथ्य भी जोड़े गए हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को वीर, महान देशभक्त और महान क्रांतिकारी बताया था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि तथ्यों में बदलाव काफी जांच परख के बाद किया गया है। हमने आते ही पाठ्यक्रम की समीक्षा की एक समिति बनाई। उस समिति ने बड़े ही ठोस तथ्यों के आधार के ऊपर अपनी जो बात लिखी है उस पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उसके उनके पास में एविडेंस मौजूद है, उनके पास साक्ष्य हैं और उस साक्ष्य के आधार पे उन्होंने लिखा कि वीर सावरकर ने माफी के लिए दरखास्त की थी। ऐसे कोई नहीं लिख सकता, बिना कोई इतिहास नहीं लिख सकता। स्कूली पाठ्यक्रम को बदलने में कांग्रेस सरकार इतनी हड़बड़ी में देखी कि उसने महाराणा प्रताप के बारे में अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग जानकारी शामिल कर दी। सामाजिक विज्ञान की 7वीं कक्षा में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को विजयी घोषित किया गया है। वहीं 12वीं कक्षा में महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताया गया है। किताब में महाराणा प्रताप के नाम के आगे महान शब्द का हर बार प्रयोग किया गया है। 10वीं कक्षा में भी महाराणा प्रताप से जुड़ी कई जानकारियों को हटाया गया है। बीजेपी ने पाठ्यक्रम में बदलाव की आलोचना की है। कांग्रेस के नेता मानसिक दिवालियेपन का ये द्योतक है कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जीवन पर्यंत अंग्रेजों से संघर्ष किया, ऐसे लोगों के लिए ये कहना कि वो दया की भीख मांगकर और बाहर आए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और इस प्रकार की यदि पुनरावृत्ति कांग्रेस की सरकार करेगी और कांग्रेस इस प्रकार का कृत्य करेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। भले ही कांग्रेस कह रही है कि जो भी बदलाव किए गए हैं वो तथ्यों के आधार पर किए गए हैं, लेकिन ये सच है कि पाठ्यक्रम में बार बार बदलाव के जरिए राजनीति करके छात्रों के भविष्य के साथ मजाक किया जाता है।